लोन लेने के लिए आजकल लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि जानबूझकर वो चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन हैं वो बिना सिबिल स्कोर के या फिर कम सिबिल स्कोर पर या फिर बिना इनकम प्रूफ देके बिना कोई भी डॉक्यूमेंट के उनका लोन अप्रूव कर देती है। और जो आपकी एक कमजोरी होती है उसी वाली कमजोरी का चाइनीज एप्लीकेशन फायदा उठाती है और वो आपका छोटा मोटा लोन बिना किसी सिबिल स्कोर के और बिना किसी इनकम प्रूफ के अप्रूव कर देती है। लेकिन जब आप चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लोगे और उसका जब आप रिपेमेंट करने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि यार आप बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हो, क्योंकि जो चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन होती है वो आपका केवल छोटा मोटा लोन अप्रूव करती है। ये नहीं है कि लाख दो लाख का आपका लोन अप्रूव करती है, वो आपका छोटा मोटा 1,000-2,000-5,000 रुपए का लोन अप्रूव करती है। लेकिन जब आप उसका रिपेमेंट करने जाओगे तो वो वहां पर आपसे डबल या ट्रिपल उसका चार्ज वसूल करती है। कई लोगों के साथ तो ये भी हो रहा है कि उन लोगों ने लोन का सारा पैसा जमा करवा दिया लेकिन उसके बावजूद भी जो लोन एप्लीकेशन है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे, वो उनसे और भी पैसे की डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा जो एप्लीकेशन है वो उनको धमकियां दे रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं, उनके साथ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि अगर आप हमको पैसा नहीं दोगे तो हम आपको बुरी तरीके से ब्लैकमेल कर देंगे। क्योंकि जब भी आप चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेते हो तो वहां पर लोन ऐप लेते टाइम वो आपसे एक ऐप इंस्टॉल करवाते हैं, एक ऐप डाउनलोड करवाते हैं। उसके बाद उस वाले एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करके ओपन करते हो तो वहां पर वो आपसे कुछ आपके कॉन्टेक्ट की, आपके लोकेशन की, आपके फोन की, आपके फोटो वीडियो की आपसे परमिशन मांगते हैं और आप उन वाली परमिशन को अलो कर देते हो। उसके बाद क्या होता है कि जो भी आपका मोबाइल फोन होता है उसका जो एक्सेस होता है वो उन वाले एप्लीकेशन के जो कंट्रोलर होते हैं उनके पास चला जाता है और वो जो आपका फोन होता है उसका जो डाटा होता है उसको वो बुरी तरीके से ब्लैकमेलिंग के लिए यूज लेते हैं। तो अगर आपको भी पैसों की जरूरत है और आप लोन लेना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन बताने वाला हूं जिस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आप 1,000 रुपए से लेकर और 1,00,000 रुपए का जो लोन है वो बिना किसी सिबिल स्कोर के और बिना किसी डॉक्यूमेंट के ले सकते हो। अब इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पेमी पर्सनल लोन ऐप के बारे में। अब आप बोलोगे कि प्ले स्टोर पर 5,000 से ज्यादा मोबाइल एप्लीकेशन है तो आपने यहाँ पर पेमी मोबाइल एप्लीकेशन को क्यों चूज किया, क्योंकि जो पेमी मोबाइल एप्लीकेशन है या जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो आपको दो तरीके का लोन देता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के और बिना सिबिल स्कोर के लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो बिना डॉक्यूमेंट के हमारा यहाँ पर 9,000 रुपए का लोन अप्रूव हो चुका है और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पर नहीं देना है। 3-4 मिनट का यहाँ पर टाइम लगेगा और तुरंत के तुरंत पैसा हमें मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हमें बड़ा लोन चाहिए, अगर हमारे पास और डॉक्यूमेंट है, हम इनकम प्रूफ दे सकते हैं और अगर हमारा सिबिल स्कोर ठीक ठाक है तो हम यहाँ से दूसरा जो लोन है 2,00,000 रुपए तक का हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इस वाले लोन के लिए हमें 24 घंटे का वेट करना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर अंदर यह जो पैसा है वो हमें मिल जाएगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर आपको पेमी मोबाइल एप्लीकेशन बताया। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो भी आप यहाँ से लोन ले सकते हो, अगर आपके पास कोई भी इनकम का डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास आधार कार्ड है और आपके पास पैन कार्ड है और आपका सिबिल स्कोर अगर खराब हो चुका है या फिर कम है तो भी आप यहां से लोन ले सकते हैं। अब आप यहां से लोन लेने से पहले इस वाले एप्लीकेशन की जो डिटेल्स है थोड़ी सी वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर हम एरो पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप देखोगे तो यहां पर साफ साफ बताया हुआ है कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो पेपरलेस है, लो प्रोसेसिंग फीस के साथ आपको लोन मिल जाता है, इंटरेस्ट रेट भी यहां पर बहुत कम है। इसके अलावा 3 महीनों से लेकर और 24 महीनों के लिए यहां पर आपको लोन दिया जाता है और यहां से आप 10,00,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप बिना डॉक्यूमेंट के लोन लेना चाहते हैं आधार पैन के ऊपर तो आपको 10,000 रुपए का लोन मिलेगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप इनकम प्रूफ दे सकते हो तो आपको यहाँ पर 2,00,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर इनकी जो लेंडिंग कंपनियां हैं उनके नाम आपको यहाँ पर बताए गए हैं। टोटल 5 तरीके की लेंडिंग कंपनियां हैं जिनका यहाँ पर पेमी के साथ पैचअप है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आप लोन लोगे तो उसका जो एक एग्जांपल है वो आपको यहाँ पर बताया हुआ है। इसके अलावा इस वाले एप्लीकेशन से लाइव में आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करके बताऊंगा तो आपको यहाँ पर एग्जांपल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अप्लाई करेंगे और अप्लाई करते टाइम ही लाइव यहाँ पर सारी चीजों को कैलकुलेट करेंगे।
तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का मैंने लिंक दे रखा है डायरेक्ट वाला, आप उस लिंक पर क्लिक करके सबसे पहले इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल फोन में। और डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही ओपन करोगे कुछ आपसे आपकी बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपके पैन कार्ड का नंबर, वो सारी डिटेल्स, अपनी बेसिक डिटेल्स आप यहाँ पर डाल दोगे। बेसिक डिटेल्स डालने के बाद अब आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमारा 9000 रुपए का लोन अप्रूव हो चुका है, जो कि यहाँ पर हमें बिना किसी डॉक्यूमेंट के दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखो लिखा हुआ है नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। इसके अलावा 3 महीनों के लिए हम इस वाले लोन को ले सकते हैं और 3-4 मिनट का यहाँ पर टाइम लगेगा और तुरंत पैसा हमें मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर बड़ा लोन लेना हो तो या तो आप इस वाले लिमिट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले लोन लोगे तो उसके बाद ही आप इस वाले लिमिट को बढ़ा पाओगे। यहाँ पर लिमिट बढ़ाने का भी ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर बड़ा लोन चाहिए, आपको 1-2 लाख का लोन चाहिए, तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा 2 लाख रुपए तक का। इस वाले लोन को यहाँ से आप अप्लाई करके यहाँ से आप 2 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। लेकिन इस वाले लोन के लिए आपको इनकम का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट देना होगा। इनकम का डॉक्यूमेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ पर अपना बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करना होगा। बैंक स्टेट जब आप अपलोड कर दोगे उससे यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा कि आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन मिलना है या फिर नहीं मिलना है। अब हम यहाँ पर लोन लेंगे तो यहाँ पर जितना भी लोन आपके लिए एलिजिबल होगा वो आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। अब आपको लोन लेने के लिए सिंपल सा यहाँ पर गेट नाउ पर क्लिक करना है। हम गेट नाउ पर क्लिक करते हैं। गेट नाउ पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आपको कितने रुपए का लोन चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो हम 1000 रुपए से लेकर और 9000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसके अलावा इस वाले लोन में जितना हमें लोन चाहिए उसको हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर रिपेमेंट की डेट पूछी जाएगी। जिस भी डेट को आपको आपके लोन का रिपेमेंट करना हो, जिस भी डेट को आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आता हो या फिर आपकी सैलरी आती हो, आपके पास पैसा आता हो, उस हिसाब से यहाँ पर आपके हिसाब से जो भी रिपेमेंट की डेट है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप सी कैलकुलेशन पर क्लिक करोगे और जो भी आप लोन ले रहे हो उस वाले लोन पर आपके कितने चार्जेज वगैरह लग रहे हैं, कितने प्रोसेसिंग फीस लग रही है, इंटरेस्ट रेट आपका कितना लग रहा है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर लाइव देख सकते हो। जैसे हम यहाँ पर 6000 रुपए का लोन ले रहे हैं तो 6000 रुपए के लोन के ऊपर यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा पर डे वो 0.11% लगेगा। जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो 720 रुपए लगेगी। जीएसटी जो हमारा लगेगा 130 रुपए लगेगा। तो टोटल ओवरऑल मिला के जो हमारी प्रोसेसिंग फीस कैलकुलेट की जाएगी वो 850 की जाएगी। और यहाँ पर हमें 6000 रुपए में से जो हमें लोन मिलेगा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर वो मिलेगा 5150, मतलब 850 रुपए है जो हमारे चार्जेस के रूप में काट लिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमें जो इसका रिपेमेंट करना होगा वो करना होगा 6165 रुपए, मतलब 6000 के बदले में 165 रुपए हमें यहाँ पर अलग से देना होगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से लोन की डिटेल को देखेंगे और उसके बाद अगर आपको लगता है कि लोन सही है तो नीचे आपको यहाँ पर रीजन पूछा जाएगा कि आप जो लोन ले रहे हो उसको लेने का आपका रीजन क्या है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से रीजन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दोगे, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपका एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट बनने के बाद नीचे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, आपकी यहाँ पर एक सेल्फी मांगी जाएगी। और जैसे ही आप यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डाल दोगे और आपकी सेल्फी डाल दोगे तो जो भी आपका लोन का पैसा होगा, जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा, इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मुझे अभी फिलहाल लोन की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना जो प्रोसेस बताया है और यहाँ पर जो लोन अप्लाई किया है वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है कि आप फर्जी मोबाइल एप्लीकेशन के चक्कर में ना पड़ो और आप रियल मोबाइल एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करो। इस वजह से मैंने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया। यहाँ पर अप्लाई का जो पूरा प्रोसेस है वो मैंने लाइव आपको बता दिया है। इस तरीके से आपको लोन के लिए अप्लाई करना है अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन चाहिए। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वाले मोबाइल एप्लीकेशन पर क्लिक करो, ऐप को डाउनलोड करो और लोन के लिए अप्लाई करो।